subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो एंड वेलकम दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल जीएसएम दुनिया में। और आज हमारे पास है एक सैमसंग का 1200Y और इसमें पासवर्ड लगा हुआ है और हमारे पास यूएसबी डाटा केबल नहीं है। मेरे पास सिर्फ ओनली कटा हुआ एक डाटा केबल है जिससे हम शॉर्ट करके और इसका पासवर्ड अनलॉक करने वाले हैं। तो देख सकते हैं इसका मैंने एक इमेज दे चुका है यहाँ पे, तो इसे देख के सेम इसी प्रकार से हमने एक जम्पर मार चुका है अपने फ़ोन पे सैमसंग 1200 पे। और उसके बाद हमें चाहिए एक कंप्यूटर या लैपटॉप जिसमें फ्री सॉफ्टवेयर से हम इसका पासवर्ड अनलॉक करने वाले हैं। तो चलिए हम डाटा केबल कनेक्ट कर चुके हैं सोल्डिंग करके बढ़िया से, और उसके बाद हम डिवाइस मैनेजर ओपन कर लेते हैं और हमें मिराकल क्रैक या फिर मिराकल बॉक्स ओपन कर लेना है। तो जो भी आपके पास हो तो ओपन कर लेना, अगर नहीं है तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड करके आसानी से फ़ोन को अनलॉक कर सकते हैं। थोड़ा सा वेट कर लेते हैं जब तक कि मिराकल क्रैक खुल नहीं जाता। तो देख सकते हैं मिराकल क्रैक खुल चुका है मेरा मिराकल टूल, और ये है हमारा फ़ोन जिसमें हमने जम्पर मार के वायर जोड़ा है। तो इसको हम बढ़िया से लपेट लिए हैं और रबर लगा दिए हैं क्योंकि इसका इधर उधर ना हो। और इसमें आपको बैटरी कनेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आपको होम बटन यानी कि सेंटर बटन जो होता है बीच वाले बटन उसको प्रेस करके और आपको डाटा केबल को कंप्यूटर से लगाना है, ठीक है, बस इतना ही करना है। तो सबसे पहले आपको कंप्यूटर स्क्रीन पर टूल दिखेगा मिराकल टूल, इसको आपको ओपन करने के बाद आपको एसपीडी को सेलेक्ट करना है, ठीक है। एसपीडी वाले देख सकते हैं मैंने यहाँ पे कनेक्ट करके देख लिया, एसपीडी बना रहा है। तो हम फ़ोन को फिर से निकालेंगे, अब हमें टूल में एसपीडी को सेलेक्ट करना है। तो एसपीडी सेलेक्ट करने के बाद हमें रीड इन्फो पर क्लिक करना है और उसके बाद हमें डायरेक्टली स्टार्ट बटन पर क्लिक कर देना है। स्टार्ट बटन करने के बाद हमें क्या करना है, फ़ोन का जो ओके बटन होता है ना बीच वाला सेंटर बटन, उसको दबा के रखना है और उसको डाटा केबल से कनेक्ट कर देना है कंप्यूटर या लैपटॉप में, ठीक है। अब देख सकते हैं प्रोसेस स्टार्ट हो चुकी है और यहाँ पे हमें उसका पासवर्ड दिखाई देगा। तो मैंने इसका रीड इन्फो किया और रीड इन्फो में यहाँ पे स्क्रीन लॉक यहाँ पे दिखाई देगा और अनलॉक कोड यहाँ पे दिखाई देगा। तो देख सकते हैं, हम अभी जूम करेंगे इस फोटो को, शायद आपको साफ साफ ना दिखाई दे। तो सबसे पहले तो हम यहाँ पे फ़ोन को रिमूव कर लेंगे रीड इन्फो होने के बाद और हम इसे ओपन करके देखेंगे। तो इसमें थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो रहा है बैटरी कनेक्ट करना, तो चलिए हम बढ़िया से कनेक्ट कर लेते हैं पहले। तो मेरा फ़ोन ऑन हो गया है, ऑन होने के बाद अभी भी पासवर्ड मांग रहा है ये स्क्रीन लॉक। तो उसके लिए क्या करना है, हमें टूल जो है ना यहाँ पे टूल में दिखाई दे देगा यहाँ पे अनलॉक कोड, देख सकते हैं यहाँ पे अनलॉक कोड 9856 है, तो हमें 9856 यहाँ पे डाल करना है। चलिए हम डाल के देखते हैं और यहाँ पे पासवर्ड अनलॉक होता है कि नहीं, आप भी देखें। तो देख सकते हैं जो मिराकल टूल ने इसका अनलॉक कोड बताया है वही अनलॉक कोड डालने पर यहाँ फ़ोन अनलॉक हो चुका है। तो आप भी इस मेथड को ट्राई कर सकते हैं, अगर वीडियो समझ में आए तो दोबारा वीडियो को वॉच करें, बढ़िया से वॉच करें, कहीं भी स्किप ना करें। चलिए हम फिर से एक बार और फ़ोन को ऑन करेंगे और इसी अनलॉक कोड को फिर से डाल के दिखाएंगे आपको। चलिए हम सामने से डालेंगे और इसमें साफ साफ आपको दिखाई देगा कि हम क्या डालें और कंप्यूटर स्क्रीन पे इसका पासवर्ड क्या डाला गया है। चलिए 9856 यहाँ पे हम फिर से दोबारा डालते हैं आपको दिखाने के लिए।
तो साफ साफ दिख रहा है कि हमने यहाँ पे 9856 डाला और पासवर्ड अनलॉक हो चुका है। तो आशा करते हैं वीडियो आपको अच्छा लगा तो हमारे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। इस टूल डाउनलोड करने के लिए आपको लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, वहाँ चेकआउट कर लें।